तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और न्यू डे के साथ। ये वीडियो में आपके आज की जो वीडियो है, मैं तो मैं सही बता रहा हूँ, ये रैंडम सा खेल रहा हूँ मैं। और साथ ही साथ गाइस, इस गेम की खास बात है, ये पूरी बेस्ड होने वाली है भैया पुचिंग की फाइट के ऊपर। उसके अलावा इस गेम में कुछ भी नहीं है, लेकिन पुचिंग की जो फाइट होने वाली है ना, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और खतरनाक होने वाली है। मतलब लगता ही नहीं है कि यहाँ पे चांसेस होगा कि बचने का, वहाँ भी भैया हम बच के निकलेंगे। यार उससे पहले आप ये देखो कि रैंडम गेम प्ले, तो भैया मैं अपने टीममेट से दूर चला आता हूँ यहाँ पे फाइट लेने के लिए, और मेरे टीममेट अलग ही दुनिया में है। अब भाई साहब, मैंने दूर दराज में एक बंदा नॉक कर तो दिया है, लेकिन वहां तक जाना इतना आसान है नहीं, बिकॉज लेफ्ट में ही एक बंदा बैठा है इन्हीं की स्क्वाड का, जो मैंने अभी निपटाई है। तो फिलहाल मैंने स्मोक करा और उसके सहारे आगे बढ़ा। और भाई जैसे आगे आता हूँ ना भाई साहब, यहाँ देखो राइट वाली बिल्डिंग से फिर से कुछ फुटस्टेप आए, और भाई साहब आगे बढ़ने के लिए फिर से यहाँ पे स्मोक करना पड़ेगा। भाई साहब देख रहे हो ना, अगर स्मोक नहीं होते तो मैं भी बचता नहीं यहाँ पे। यार कसम से, कौन से एंगल में बंदे बैठे समझ में नहीं आ रहा यार। लेकिन जो भी था, मेरे टीममेट ने यहाँ पे देखो सारे बंदे को प्रसाद तो दे दिया, और जल्दी से आके मेरे को रिवाइव देने के लिए। बहुत बड़ी बात है, मतलब रैंडम आते नहीं है ऐसे। और भाई यार इतनी फायरिंग साउंड आ रही है, समझ में आता ही नहीं कि कहाँ जाऊं और कहाँ नहीं। और उसी दौरान देखो भाई साहब, ये कर दिया मैंने सामने तरफ बंदा नॉक। अब देखो मकसद तो मेरा भैया कि वहीं की तरफ जाऊं, टिफिन ट्रिक लाकर उन बंदों को निपटाऊं, तो मैं तो जा रहा होता हूं वहीं की तरफ। लेकिन भाई साहब, भाई साहब तुम बस यहाँ की अब सिचुएशन देखो, मतलब यार 10 डायरेक्शन से गिरूंगा मैं अभी।
अब भाई साहब यहाँ मेरे को सामने वाली बिल्डिंग से अभी भी एक फुट साउंड आ रहा है, तो बंदा तो जाहिर सी बात है मैंने देखा भी है उसे, लेकिन फिलहाल अब वो एग्जैक्टली कहाँ है इसका कोई आइडिया है ही नहीं मेरे को। लेकिन फिर भी मैं इसे इग्नोर नहीं मारने वाला बाकी बंदों की तरह, क्योंकि अगर इसे मौका दिया तो भाई कसम से पूरा ही खाएगा। फिलहाल तो उसके टीममेट को मैंने कंफर्म किया, और उसके बाद देखो भाई साहब जितनी उम्मीद होती है ना, मुझे लगा शायद से ये बंदा सीढ़ियों की तरफ ही बैठा हो, तो मैंने फटाक से बाहर की तरफ स्मोक किया। ये देखो मेन पॉसिबिलिटीज जो थी वहां की तरफ मेरी एक मॉली फेंक दी, बट भाई साहब बंदा वहां होता ही नहीं है। अब लगा साइज से इस तरफ वाले पे हो, तो मैंने वहां पे ग्रेनेड फेंका, लेकिन भैया ये बंदा यहाँ भी नहीं। अब समझ में निकली आई नहीं रहा कि बंदा कहाँ पर है भाई, कसम से तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता। लेकिन आप देखो भैया ये कहाँ होता है, मतलब यार हद होती है भाई, इतनी सारी फाइट होने के बावजूद ये भाई कैंप कर रहा है कैंप पे। यहाँ पे देखो सर कैंप का कोई फायदा तो हुआ नहीं, और यहाँ हमें निपटा दिया पूरा का पूरा पूछिंग की। अब ये पूछिंग की फाइट आपको कैसे लगी जरूर बताना कमेंट करके, और अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक तो बनता है भाई। भाई साहब अब देखो भैया बारी यहाँ से निकलने की, तो हम चले आए यहाँ की तरफ। अब जैसे ही मैं इस तरफ आया भाई साहब, ये मुझे सामने तरफ कोई तो बंदा स्पॉट हुआ था, अब यार यहाँ ये नॉक हुआ है तो लगा शायद से एक आदमी का टीममेट और हो सकता है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये भाई यहाँ पे अकेला ही था। तो गाड़ी को उठाया और फिर से निकलने लगा यहाँ से, लेकिन भाई साहब उसी दौरान और लो भाई साहब ये भाई भी छित, फिलहाल तो कहीं देखो बारी है यहाँ से निकलने की, बिकॉज जोन आ रही है। लेकिन यहाँ देखो भाई साहब मुझे स्विच करनी थी गाड़ी, तो मैं यहाँ आया डासिया के पास, और उसी दौरान भाई साहब ये देखिए गाड़ी, लेकिन भैया ये गाड़ी वाला बंदा अलग नशे में, मतलब तुम देखते जाओ और लो भाई साहब ये वाली स्क्वाड भी खत्म। अब फिलहाल यहाँ पे तुम देखो भैया किस्मत, मतलब यार अब तक जो मेरी किस्मत अच्छी चली थी ना भैया, अब खराब होने वाली है, बिकॉज इतनी गंदी मौत मरने वाला हूँ मैं, तुम बस देखते जाओ। फिलहाल तो कहीं यहाँ पे देखो भैया ड्रॉप सामने की तरफ था, तो मैंने कहा चलो भैया हमें तो नहीं लूटना है, तो हम जो नीचे वाले घर की तरफ होल्ड कर लेते हैं। और तभी देखो ये बगी मेरे को दिख गई, लेकिन डोंट वरी ये बगी यहाँ पे रुकती नहीं है, ये वाला बंदा तो भगी जाता है। बट गई जैसे हम यहाँ पे थोड़ी देर होल्ड कर रहे होते हैं और कोई नहीं आया फाइनली, तो हम यहाँ से निकलने के बारे में सोचते हैं, और भाई इसी दौरान देखो ये आ गई एक गाड़ी। अब फिलहाल यहाँ पे देखो यार मैंने तुरंत ही ग्रेनेड को कर लिया, लेकिन तुम सामने वाले बंदे की किस्मत देखो यार भाई साहब परफेक्ट ग्रेनेड था, लेकिन पता नहीं कैसे नहीं फटा यार। और तुम फिर देखो ये यार बंदा वही तो था, यार पहले तो मॉली कनेक्ट हुई नहीं, और जब कनेक्ट हुई तो एक सेकंड में पूरी पावर ले गई कसम से यार। अब यहाँ एक बार रिवाइव मिलता तो मैं कुछ कर पाता, लेकिन भाई साहब मिल ही नहीं पाया, सिर्फ यार 2-3 सेकंड और रुक जाते कसम से, बोलू लेकिन छुपी गई आज नसीब में था ही नहीं चिकन। तो भाई साहब कोई बात नहीं होता रहता है। पहले तो आपको कैसा लगा गेम प्ले जरूर बताना कमेंट करके, और अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक तो बनता है। बाकी अभी के लिए चलता हूं, लोकल वीडियो लाइक स्ट्रीम सेव गाइस एंड गाइस कीप सपोर्ट।